महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बता दें कि उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पे आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो वहीं सीएम शिंदे के सामने केदार दिघे को टिकट दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से, जहां पे थाने से राजन विचारे को टिकट दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पे उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जिसमें 65 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जिनमें 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पे आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव मैदान में है। वही अगर हम बात करें तो सीएम शिंदे के सामने केदार दिघे को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेके, जहां पे कोपरी पाथ पखाड़ी से चुनाव केदार दिघे लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आनंद दिघे के भतीजे हैं केदार दिघे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए शिवसेना की पहली लिस्ट जारी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, इसमें वर्ली से उनके बेटे आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा थाने से राजन विचारे को टिकट दी गई है, वहीं कोपरी पाथ पखाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दिघे को टिकट दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दिघे मैदान में होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गुट ने सावंतवाड़ी के पूर्व विधायक राजन तेली को टिकट दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पे कोपरी पाचड़ पाखी से चुनाव केदार दिघे लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आनंद दिघे के भतीजे हैं केदार दिघे।